आज हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 10th क्लास में ही पढ़ना है, वही थोड़ा बहुत फॉर्मूला मतलब रिवाइज करवा देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेट में जो सिंपल फॉर्मूला है देखिए आप, जैसे दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। तो जनरली हम लोग अभी 10th क्लास में दो ही कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन वास्तव में ये तो बोर्ड है, तो बोर्ड पर तो दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, बोर्ड एक प्लेन है, इस पर किसी भी पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। लेकिन अगर हम किसी स्पेस में बात करें, स्पेस में पहले आप समझ, जैसे मान लें कि लाइन है, तो एक लाइन पर किसी एक पॉइंट को दिखाना है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई पर दिखाना है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन किसी प्लेन में दिखाना है जिसके एक्स भी होंगे और इसके वाई भी होंगे, लेकिन मान लिया जाए कि स्पेस में दिखाना है, तो प्लेन के बारे में बात की हम कि एक्स और वाई होंगे। मान लिया कि स्पेस में यहाँ पर एक कोई मतलब पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो यहाँ पर जब कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट बताना है अगर आपको, तो आप चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, फिर चलेंगे वाई की तरफ और फिर चलेंगे इधर जेड की तरफ। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तीन होगा, एक्स वाई और जेड। मतलब हम इधर जेड एक्सिस मान रहे हैं, बोर्ड से बाहर की ओर निकलता हुआ एक लाइन को हम लोग जेड एक्सिस मान रहे हैं, इधर एक्स, इधर वाई और इधर जेड। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर हम बात करें स्पेस में तो तीन नियामक होंगे, तीन कोऑर्डिनेट होंगे, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। और इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि x कोऑर्डिनेट का जो अंतर है उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का जो अंतर है उसका स्क्वायर और फिर z कोऑर्डिनेट का जो अंतर है उसका स्क्वायर और फिर उसका रूट होगा। ये हो गया आपका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मान लिया जाए कि दो पॉइंट है फिर x1, y1, z1 और एक पॉइंट है x2, y2, z2 और इसके मिडिल पॉइंट को आप जानना चाहते हैं, मतलब जो 1:1 में इसको डिवाइड करें, 1:1 में, तो उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखते होंगे x1 + x2 / 2 / 1 + y2 / 2। ऐसा 10 में पढ़ना होगा, दो ही कोऑर्डिनेट का तो हर आता है, यहाँ तीन है तो तीन तक लिख देंगे, z1 + z2 / 2 इस तरह से। फिर m:n का होता होगा, m:n की मान ले दो पॉइंट है उसको m:n में डिवाइड करना है, इंटरनल और फिर एक एक्सटर्नल, m:n में जो लिखे ना m1:1 m:n और ये वाला मान लिया है इंटरनल। और फिर एक होता है कि m:n में कट रहा है लेकिन एक्सटर्नल, मतलब एक बाह्य विभाजन और एक अंतर विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन और एक इंटरनल मतलब अंतर विभाजन का पढ़े होंगे। तो इसमें जो होता है mx2 + nx1 / m + n, उसी तरह फिर होगा m/2 + n/1 / m + n, फिर mz2 + nz1 / m + n, इस तरह से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो m:n में काटेगा। इसे कहने का मतलब एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और बीच में पॉइंट है P जो m:n में काट रहा है AB को, माना AP / BP = m/n। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए वाला mx2 + nx1 / m + n, फिर y और फिर z। इसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि A यहाँ है, B यहाँ है लेकिन P यहाँ है, तो A से लेकर P तक अगर m है तो B से लेकर P तक n है, AP / BP = m:n, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इसका जो पॉइंट P है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 - nx1 / m - n,
फिर उसी तरीका से m बाई टू माइनस एन बाई वन बाई एम माइनस एन, फिर हो जाएगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन बेटा एम माइनस एन। ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन बाय विभाजन का फॉर्मूला एक तरह। फिर थोड़ा सा, हाँ ये आप मान लें एक ट्रायंगल है, इसे कोऑर्डिनेट है एक्स वन बाई वन जेड वन, इसका मान लिया है एक्स टू बाई टू जेड टू, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स थ्री बाई थ्री जेड थ्री। तो आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र 10 क्लास में, इसे हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इस सेंट्रोइड का जो लोकेशन होगा, कोऑर्डिनेट मतलब होगा, वो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई तीन, फिर बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बाई थ्री, और फिर एक जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री। ये सब पॉइंट थोड़ा बहुत काम आता है जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में जब सेंटर ऑफ मास निकालने का आता है तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला वहाँ भी आता है। तो थोड़ा बहुत अगर इसका मतलब जानकारी हो कोऑर्डिनेट का तो उसमें समझने में आसानी होता है। आगे देखिए थोड़ा सा जो आपको वेक्टर में जब पढ़ाया जाएगा वेक्टर चैप्टर तो फिर ही काम आएगा आपको। तो पहले आप देखिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के तौर पर, मान लीजिए कि यह एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसमें हम मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ये क्यूब के इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेते हैं, और इधर वाले एक्सिस को मानते हैं एक्स, और इधर वाले को मान लेते हैं वाई, और इस वाले को मान लेते हैं जेड। वास्तव में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो जेड है ना बोर्ड पर तो खींचा हुआ है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जेड इस तरफ से है, मतलब हम जिस कमरा में अभी हैं तो उस कमरा का ये जो लाइन है इधर से ई एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हमने बाई माना है, और जैसे एक लाइन इधर हुआ एक्स एक्सिस तो एक लाइन इधर भी गया होगा साइड में ऐसे, इसको माने हम लोग जेड, और जो वर्टिकल उसे मान लिए बाई एक्स बाई जेड। मान ली इस क्यूब का साइड है ए, क्यूब का साइड कितना है ए, तो हो गया ओरिजिन जीरो जीरो जीरो। बोले इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कहाँ चल रहे हैं जेड की ओर, तो सिर्फ इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा जीरो जीरो ए। कब से सवाल करें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ तक जाने के लिए आप कहाँ चले, जेड के तरफ चले, फिर आप वाई के तरफ चले, इसलिए जेड और वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाला नहीं जीरो ए ए। अगर पूछे यहाँ का कोऑर्डिनेट बताइए तो यहाँ किधर चले हैं आप जेड, यहाँ किधर चले हैं आप एक्स, तो एक्स और जेड वाला होगा ए जीरो ए। अगर आप यहाँ का निकालना चाहते हैं तो आप किधर चले सिर्फ सिर्फ एक्स की ओर चले हैं, तो यहाँ होगा ए जीरो जीरो। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो एक्स की तरफ जाइएगा और फिर बाई की ओर जाइएगा, तो एक्स और बाई वाला ही कोऑर्डिनेट होगा जेड वाला नहीं। अगर आप इस पॉइंट का लोकेशन जानना चाहते हैं कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से चले आप जेड, फिर चले आप एक्स, फिर चले आप बाई, मैंने तीनों तरफ चले आप जेड एक्स बाई, मैंने एक्स बाई जेड तीनों ए ए ए। ऐसा नहीं कि यहाँ से चल दिए और फिर यहाँ से चल दिए, ये जो लाइन है कटा हुआ दिख रहा लेकिन आपस में टच नहीं है। आपको ये बात लग रहा होगा कि ये जो फेस है इस साइड का फेस है, ये लाइन इधर चलाएगा, ये जो फेस है आपका इस साइड का ऐसे है, तो ये लाइन आपस में टच है, मतलब बोर्ड पर दिख रहा है, थ्री डायमेंशनल फिगर है तो क्लियर उतना पता चलेगा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि लाइन आपस में टच नहीं है, ये लाइन आपस में टच नहीं है। तो अब बचा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का बताइए आप किधर चल रहे हैं, सिर्फ बाई की ओर चल रहे हैं, तो जीरो ए जीरो सिर्फ बाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीका से थ्री डायमेंशनल है मतलब कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आगे ये भी काम आएगा फिजिक्स में आपका। तो ये कुछ बात था जो कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो आपको बताए।
अब इसको एक बार देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जिससे मतलब फिजिक्स मतलब आपका सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो अभी तक जो भी हम मैथ पढ़े थे सब थोड़ा बेसिक, ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ था, मतलब अलजेब्रा पढ़ाया गया आपको, अर्थमेटिक पढ़ाए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए, कुछ ग्राफ के बारे में बताए, फिर इधर कोऑर्डिनेट मेंसुरेशन भी थोड़ा बहुत हम लोग कवर किए। अब जो मेन है मतलब इसको हम लोग मैथ का एक पार्ट बोलते हैं। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं मैथ का दूसरा पार्ट, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बिना फिजिक्स मतलब लगेगा ही नहीं आपका कि इलेवंथ का पढ़ रहे हैं, लगेगा कि नाइन्थ क्लास का पढ़ रहे हैं। तो ये मतलब मेन टॉपिक है आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन।